हाय दोस्तों, आज बहुत दिनों बाद मैं एक ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। और आज के ब्लॉग में कुछ खास नहीं, मैं बनाने जा रहा हूँ बथुए के पराठे, उसमें आलू की पिट्टी भर के। तो सब कुछ मैंने धीरे धीरे तैयार कर लिया है, तो मैं दिखाता हूँ मैंने क्या क्या तैयार कर लिया है और क्या क्या अभी रह गया है। तो दोस्तों बने रहें इस ब्लॉग में और देखना मेरे हाथ की रेसिपी बथुए के पराठे किस तरह से बनाता हूँ, बहुत स्वादिष्ट। तो दोस्तों ये मैंने आलू उबाल लिए हैं, कुछ कम 1 किलो ही आलू हैं, क्योंकि कुछ गेस्ट भी आने वाले हैं, तो इसलिए मैंने 1 किलो आलू उबाल के पहले से रेडी कर लिए हैं, गरम गरम हैं। देखो भाप भी अभी इसमें से निकल रही है ये। और दोस्तों ये मेरा बथुआ है, ये भी गरम गरम है, जो मैंने अच्छे से उबाल लिया है। ये आलूओं में ही रख लिया था मैंने, तो ये भी आलू के साथ उबल गया, क्योंकि डबल डबल गैस जलाने से अच्छा था कि एक ही साथ दोनों उबल गए। और ये बथुआ अच्छे से हो चुका है। और ये रही मेरी प्याज और हरी मिर्चें, मैंने बारी बारी चॉप चॉप कर ली हैं। और ये मैंने बड़े बड़े तो नहीं, मीडियम प्याज लिए थे 3, काफ़ी हैं इतने। और अभी रह गया है अदरक कटने के लिए। लहसुन मैं कम यूज़ करता हूँ पराठों में, अगर लहसुन यूज़ करना है तो दोस्तों उसे भून के करें, कच्चा लहसुन मुंह में अच्छा नहीं लगता आता हुआ, ठीक है दोस्तों। और मैं आगे की प्रोसेसिंग दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये चीज़ें मैंने तैयार कर ली हैं और मैं दिखाता हूँ कि इसमें क्या क्या मैं डालता हूँ, कितना नमक, कितना मिर्च मसाला डालूँगा और किस तरह से तैयार करूँगा। तो दोस्तों काफ़ी दिन बाद ये ब्लॉग आ रहा, तो प्लीज़ यार बने रहें और मेरे साथ बथुए पराठे के मज़े लें। तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ अब इसकी पिट्ठी बनाने के लिए, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये मैंने बारीक बारीक थोड़ा सा अदरक काट लिया है, ये तो अदरक का तो अपना ही एक स्वाद होता, अलग फ्लेवर होता, जब तक अदरक नहीं हो तो कोई स्वाद नहीं आता। तो दोस्तों अदरक का यूज़ ज़रूर करना चाहिए, लेकिन मुझे थोड़ा मोटा अदरक पसंद है, जैसे है इस टाइम, फिर भी अच्छा बारीक है। तो आप चाहें तो इसे घिस के भी डाल सकते हैं। देखो दोस्तों ये मैंने आटा और बथुआ एक जगह मिक्स करना चालू कर दिया है, अच्छे से बारीक करके मिक्स करूँगा, थोड़ा गर्म पानी यूज़ करूँगा, अब सर्दी हैं जैसे, तो ये फिर बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएगा, फिर इसके हम पराठे बनाने में एकदम रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों मेरा आटा आधे से ज़्यादा तैयार हो चुका है, अब बारी है इसमें नमक मिलानी, क्योंकि बिना नमक के आटे में स्वाद नहीं आने का, ना ही पराठे में आने का। तो हल्का अपने स्वाद अनुसार मिला लें, और अब मैं इसे थोड़ा सा और मिलूँगा 2-3 मिनट, फिर मेरा आटा एकदम रेडी हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। दोस्तों अब मैं बनाने जा रहा हूँ आलू की पिट्टी, यानी आलू का मसाला जो पराठों के अंदर भरेगा। तो किस तरह से बनाता हूँ आप देखना। तो दोस्तों ये कढ़ाई कढ़ाई गर्म हो चुकी है, इसमें डालते हैं हम हल्का सरसों का तेल, काफ़ी इतना तेल, और अब इसको थोड़ा सा गर्म होने देते हैं, फिर डालते हैं इसमें अदरक। तेल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका, अब डालते हैं इसमें अदरक। अदरक हमारा डल चुका है दोस्तों, हम इसमें डालेंगे अपनी बारीक कटी प्याज और हरी मिर्च।
दोस्तों प्याज ज़्यादा नहीं भूनना, बस हल्का सा मुलायम होने तक भूनना है। दोस्तों प्याज को तब तक भूने जब तक वो मुलायम ना हो जाए, ना के उसे जलाना है, बस हल्का सा मुलायम हो जाए ताकि हम उसके कचौरी या पराठे कुछ भी बनाएं तो फूट फूट के बाहर नहीं निकले, जिससे कि हमारा तेल ख़राब हो। एक बार वो पराठों में अगर फूटती है तो अच्छा लगता है, लेकिन कचौरी फूटती है तो तेल हमारा ज़्यादा ख़राब होता है। तो हमारी प्याज भुन चुकी है, देखते हैं। तो दोस्तों हमारी प्याज सॉफ्ट हो चुकी है और अब इसमें डालेंगे मसाले, जैसे ये लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और इसमें पिसा हुआ धनिया है और ये हमारा थोड़ा सा गरम मसाला है। हम कैसे कैसे डालेंगे वो भी हम आपको दिखाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमारी प्याज अच्छे से हो चुकी है, अब डालते हैं हम इसके अंदर आलू। ये मैडम हमारा साथ देने के लिए आ गई हैं, इनकी सुबह ज़्यादा तबीयत खराब थी इसलिए मैं बनाने के लिए आया था, लेकिन अब ये ठीक हो चुकी हैं थोड़ी सी, तो इसलिए मेरा साथ दे रही हैं। तो दोस्तों ये कढ़ाई में हमारे आलू आ चुके हैं और अब हम डालते हैं इसमें मसाले। तो पहले मैं लेता हूँ ये मसाला अपना गरम मसाला और ये थोड़ा सा धनिया पाउडर, इसमें ये तो ख़त्म हो चुका, और अब लेता हूँ ज़्यादा नहीं हल्की सी हल्दी, हल्दी पाउडर होना भी ज़रूरी है। तो ये हमारी हल्की सी हल्दी आ चुकी है और जी अब ये डालता हूँ मैं लाल मिर्च पाउडर। दोस्तों ये हमारा लाल मिर्च पाउडर और अब हमारा रह गया है नमक। नमक भी हम स्वाद अनुसार डालेंगे, हल्का सा नमक और डाल देते हैं बस, और अब हम इसे मिलाते हैं अच्छे से, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये मसाले मैंने अच्छे से मिला लिए हैं, अब बारी है इनको बारीक करने की आलू, क्योंकि ये अभी आलू काफ़ी मोटा है, ये काफ़ी मोटा है ये, तो ये पराठे या कचौरी में सही से बैठ नहीं पाएंगे और बाहर निकलेंगे फूट फूट के, तो इसलिए अब इन्हें बारीक करके फोड़ लेते हैं। तो दोस्तों आलू फोड़ लेना मेरा देसी जुगाड़ है, मैं करता हूँ गिलास का यूज़, इससे ना बहुत अच्छे से आलू फूट जाते हैं, देखना जैसे ये काफ़ी अच्छे से ये आलू फूट जाते हैं, इससे बिल्कुल बारीक आलू होते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों पहले मैं आलू फोड़ लेता हूँ, फिर बाद में आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने अच्छे से मिला दिया, देखना अब कितना बारीक हो चुका है। अब बारी है इसकी नमक मिर्च मसाला चेक करने की, कभी इसमें नमक या मिर्च मसाला कुछ ज़्यादा हुआ तो कुछ करना पड़ जाएगा, तो इसलिए मैं पहले हल्का सा चेक कर लेता हूँ। तो मैं चेक करके देखता हूँ इसमें नमक मिर्च मसाला कैसा है। एकदम चटपटा है और अच्छा भी, लेकिन हल्का नमक कम रह गया तो मैं हल्का सा नमक ऐड कर लेता हूँ। हाय दोस्तों, अब मैं बनाने जा रहा हूँ हरी मिर्चों का अचार, ताज़ी ताज़ी मिर्चों का अचार, जो कि हम पराठों के साथ भी खाएंगे। और हमारी रुक्मणी हैं, रुक्मणी जी जो मेरे साथ सॉन्गों में काम करती हैं, उन्हें बहुत पसंद है हरी मिर्च का अचार, जो मैंने डाल रखा था तो वो ख़त्म हो चुका है, तो थोड़ा अचार उनके लिए और थोड़ा सा अचार हमारे लिए। अब कैसे बनाता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये है हमारी फूई जो भूखी है बेचारी, अब इसको मैं एक पापा देता हूँ, ले बेटा खा ले। ये कहाँ जाके बैठ गई। मैंने हरी मिर्च को मैंने अच्छे से धो लिया है और अब मैं इनको चीरता हूँ। दोस्तों ये मेरी हरी मिर्च सब
चीर चुकी है जो मैंने चीर दी है, और अब इसमें हल्का सा नमक लगा के हम रख देंगे इसे धूप में सूखने के लिए, ताकि इसके अंदर जो पानी है, हल्का कड़वापन है, वो सब ख़त्म हो जाए। दोस्तों अब मैं बनाने आ रहा हूँ परांठे। ये मैंने दो तीन बोल बना लिए लोई, इसके अंदर मैं पिट्टी भर चुका हूँ जो आलू का मसाला है। अब मैं इस पर बेलता हूँ एक एक करके, और जी कैसे बनता है दिखाते हैं। और ये हमारा तवा भी गर्म हो चुका है।